छात्रों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका प्रिय हिंदी अध्यापक मोहम्मद ताहिर पाशा, स्कूल असिस्टेंट हिंदी, जिला प्रजा परिषद हाई स्कूल सखी नेटिपल्ली, डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनसीम जिला, आंध्र प्रदेश से। छात्रों, इस कालांश में हम 10वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक संचयन 2 की तीसरा पाठ टोपी शुक्ला पाठ का पठन कर लेंगे। चलिए आगे अवलोकन के विषय जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का अवलोकन, इसके अंतर्गत लेखक का परिचय और पाठ का प्रवेश एवं पाठ का विश्लेषण, इन चारों अंश इस पहले कालांश में आप पढ़ लेने की कोशिश करें। आगे देखिए अपेक्षित लक्ष्य। पाठ के अंतर्गत आने वाले अपेक्षित लक्ष्य इस प्रकार हैं। इस कहानी से प्रेम का महत्व को जान सकेंगे। प्रेम के आगे जाति, धर्म और उम्र के बंधनों कैसे पड़े हैं जान सकेंगे। मानवीय संबंधों को कौन सी सच्चाई उजागर की उसके बारे में जान सकेंगे। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक हैं राही मासूम रजा। उनका चित्र यहाँ है, देखिए छात्रों। लेखक राही मासूम रजा का लेखक परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राही मासूम रजा 1927-1992। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वही अध्यापन कार्य किया। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। राही मासूम रजा एक ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमीयत का पर्याय रही। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि का भी बेनकाब किया। प्रमुख कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटराई आजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, सभी हिंदी उपन्यास हैं, मोहब्बत के सिवा उर्दू उपन्यास, मैं एक फेरी वाला कविता संग्रह, नया साल मौजे गुल मौजे सबा, रक्से मई, अजनबी शहर अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविता संग्रह, 1857 हिंदी उर्दू महाकाव्य और छोटे आदमी की बड़ी कहानी जीवनी। राही मासूम रजा का निधन 15 मार्च 1992 को हुआ। लेखक परिचय जानकारी प्राप्त कर चुके हैं ना। अब से इस लेखक परिचय संबंध में कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लेखक राही मासूम रजा का जन्म कब हुआ? ये 1 सितंबर 1927 को, बी 1 दिसंबर 1928 को, सी 1 फरवरी 1927 को, डी 1 सितंबर 1928 को। बहुत बिल्कुल सही उत्तर बताया छात्रों। इसका सही उत्तर है ये 1 सितंबर 1927 को। और आगे अगला दूसरा प्रश्न देखिए। लेखक राही मासूम रजा का जन्म
कहाँ हुआ? ए हाजीपुर के बरौली गांव में, बी फतेहपुर के चंदौली गांव में, मिर्जापुर के वैशाली गांव में, डी गाजीपुर के गंगोली गांव में। बिल्कुल ठीक उत्तर है डी गाजीपुर के गंगोली गांव में। और तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, राही मसूम रजा ने कौन सी प्रसिद्ध धारावाहिक में काम किया? ए रामायण, बी चंद्रकांता, सी गौतम बुद्धा, डी महाभारत। लेखक पर्ची में सुन लिए ना छात्रों? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है महाभारत, डी विकल्प डी महाभारत इसका सही उत्तर है रहा। राही मसूम रजा का निधन कब हुआ? ए 15 मार्च 1992 को, बी 14 मार्च 1992 को, सी 15 मई 1992 को, डी 11 सितंबर 1927 को। सोचिए छात्रों, अति उत्तम उत्तर, सही उत्तर बताया छात्रों, 15 मार्च 1992 को इनका निधन हुआ है। छात्रों, पाठ प्रवेश के अंतर्गत पहला अनुच्छेद पढ़ लेंगे। लेखक कहता है, इफन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कहाँ सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफन की परछाई है और ना इफन टोपी की, ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं ये अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता है कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की ज़रूरत नहीं, यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, मैं तो एक कथाकार हूँ और ये कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफन की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफन। इफन में दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफन का बाप हुआ। जय इनके पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी,
परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। इफ्फन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चों को माफ करियो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूरबी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाई रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझाता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ्फन की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इफ्फन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ्फन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। इफ्फन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध पी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में आसमियों के यहां से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बन रहते। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश कर्बला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई, बोली, ए बेटा, जौन तू से हमारी लाश ना संभाली जाए ता हमें हमारे घर भेजे दियो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घरवाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कदाकार का ख्याल है कि क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफ्फन की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। यह इन चीजों को छोड़कर भला कर्बला या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमाइन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। इफ्फन स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफ्फन की दादी बीबी कही जाती थी। इफ्फन तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ्फन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस
एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुलबा कावली, हाथी मताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती, आ मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लगियो, तू अपने अब्बा ही की बोली बोली। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती ताके बादशाह का किस की तुरंत एक टो हिरन मार लिए आवा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। इफन की दादी उसे अपनी माँ को पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत, श्री नाकरता जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफन उसकी भाषा एक थी। एक और वहाँ जब इफन के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफन की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने को भी कभी कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ो तो, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तय काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, आमवट बन जाता, तिलवा बन जाता। और वह चुपचाप उनके पास चला जाता, तोरी अम्मा का कर रही। दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाती कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माताजी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा। अम्मा वह इस शब्द को गुड़की डली की तरह चुबलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भरता थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भस्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंख थी वो टोपी की चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार ढोलने लगी। ये लुफ्त तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। छात्रों, अब हम शब्दार्थ जानेंगे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत आइए शब्दार्थ इस प्रकार हैं। देखिए, घपला गड़बड़, परंपराएं रीति रिवाज, अटूट जिसे तोड़ा ना जा सके, मौलवी इस्लाम धर्म का आचार्य, काफिर गैर मुस्लिम, करबला इस्लाम का एक पवित्र स्थान, नमाजी नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला, सदका एक टोटका एक प्रकार का दान, पाबंद नियम वचन आदि का पालन करने वाला, छठी जन्म के छठे दिन का, स्नान पूजन उत्सव वजिष्ण उत्सव खुशी का जलसा, नाक नक्शा रूप रंग,
मियाँ पति। विभाग बीजू पेड़, गुटली की सहायता से उगाया गया पेड़, जैसे आम का पेड़। बेशुमार बहुत। सारी पाक पवित्र। परवरदिगार परमेश्वर। मुलुक देश। अलबत्ता का अर्थ है बल्कि। तिलवा इसका अर्थ है तिल के बने व्यंजन। गजब मुसीबत। चौका चार वस्तुओं का समूह। घिन नफरत। असलियत सच्ची बात। चुगलखोर शिकायत करने वाला, यानी यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात यहाँ पहुँचाने वाला। बदन शरीर। वास्ते नाते के लिए। सरक गए निकल गए। अय्यासा इसका अर्थ है ऐसा। अब टोपी शुक्ला का कथा विश्लेषण अब जान लेंगे। लेखक टोपी की कहानी पाठकों को सुनाना चाहते हैं, इसलिए लेखक कहता है कि वह इफ़न टोपी की कहानी को दो चरित्र हैं, एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को सभी प्यार से टोपी कहकर पुकारते हैं और दूसरे को इफ़न। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हुई और वह लखनऊ आ गई, परंतु जब तक जिंदा रही वह पूरब की ही भाषा बोलती रही। लखनऊ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी, उन्होंने तो मायके की भाषा को ही गले लगाए रखा था, क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवा उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझ पाता। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा, परंतु इस्लाम के आचार्यों के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी का दिल उदास हो गया, लेकिन इफ़न के जन्म के 6ठे दिन के स्नान पूजन उत्सव पर उन्होंने जी भरकर उत्सव मना लिया। इफ़न की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। इफ़न को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू अम्मी बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभी इफ़न को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की ही तरह कभी कभी डांटती और मारती थी। अब्बू भी कभी घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब भी मौका मिलता वह उसकी कापियों का तस्वीर बनाने लगती। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। वह रात को भी उसे बरहमराम डाकू अनारपरी बारह बुर्ज अमीर हमजा गुलबा कावाली हातिश मताई पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। इफ़न की दादी की बोली टोपी के दिल में उतर गई। उसे भी इफ़न की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। कहने का अर्थ है टोपी की माँ और इफ़न की दादी की बोली एक जैसी थी। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ़न के अब्बू के भाषा एक जैसी लगती थी। लेखक कहता है कि टोपी जब भी इफ़न के घर जाता था तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता था। टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मिठा लगता था। लेखक कहता है इफ़न की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछा करती थी, पूछ बात आगे बढ़ती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही हैं। पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि ये अम्मा क्या होता है, परंतु बाद बाद में उसे समझ में आ गया कि माता जी को ही अम्मा कहा जाता है। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे यह शब्द बहुत अच्छा लगा। उसी तरह वह इस शब्द को भी बार बार बोलता रहा, अम्मा अब्बा बाजी। उसे ये शब्द बहुत पसंद आए। एक दिन टोपी को बैंगन का भुस्ता जरा ज़्यादा अच्छा लगा।
राम दुलारी टोपी की माँ खाना परोस रही थी। टोपी ने कह दिया कि अम्मी जरा बैंगन का बुस्ता। अम्मी, यह शब्द सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ खाने खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसे वक्त खाने की मेज से उठ गई थी और टोपी की माँ राम दुलारी की टोपी की फिर बहुत पहली छात्रों देने की कोशिश करें। छात्रों चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इफन के पिता का नाम क्या था? इफन के पिता का नाम क्या था? विकल्प ए सैयद मुर्तुजा हुसैन, विकल्प बी सैयद मासूम रजा, विकल्प सी सैयद इफन हुसैन, विकल्प डी मोहम्मद शरीफ। इफन के पिता का नाम क्या था? बहुत सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सैयद मुर्तजा हुसैन। विकल्प ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। टोपी को अपनी दादी सुभद्रा अच्छी क्यों नहीं लगती? टोपी को अपनी दादी सुभद्रा अच्छी क्यों नहीं लगती? विकल्प ये है ये डांटती रहती है, बी लड़ती है, सी क्योंकि सुंदर नहीं है, डी कोई नहीं। सोचिए छात्रों, सोच कर उत्तर बोलने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया उत्तर। टोपी को अपनी दादी सुभद्रा डांटती रहती हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प ये डांटती रहती हैं। बहुत अच्छा उत्तर बताया छात्रों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य पात्र कौन है? टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य पात्र कौन है? विकल्प ए टोपी, विकल्प बी इफन, विकल्प सी इफन की दादी और विकल्प डी नौकरानी। तो ये छात्रों बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प ए टोपी। टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य पात्र विकल्प ये टोपी। बहुत अच्छा उत्तर दिए छात्रों। और ये प्रश्न देखिए। टोपी को बचपन में कहां से प्यार मिलता था? टोपी को बचपन में कहां से प्यार मिलता था? विकल्प ये अपने मित्र की दादी माँ से, विकल्प बी अपने परिवार की नौकरानी से, विकल्प सी विकल्प ए और बी से, डी इफन से। टोपी को बचपन में कहां से प्यार मिलता था? ए अपने मित्र की दादी माँ से, या बी अपने परिवार की नौकरानी से, सी ए और बी से, डी इफन से। ए बी बिल्कुल सही उत्तर है। टोपी को बचपन से अपने मित्र की दादी माँ से और अपने परिवार की नौकरानी से, ए और बी से सही उत्तर हैं। बहुत बढ़िया उत्तर बताया छात्रों। अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा। टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? ए माताजी को अम्मी बुलाने से, बी नवीं कक्षा में फेल होने से, सी किसी बात से नहीं, डी दोस्तों के साथ खेलने से। टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? माताजी को अम्मी बुलाने से, नवीं कक्षा में फेल होने से,
किसी बात से नहीं, दोस्तों के साथ खेलने से। इसका उत्तर भी बहुत ठीक बताया छात्रों, ये सही उत्तर है बिल्कुल, ये माताजी को अम्मी बुलाने से, माताजी को अम्मी बुलाने से घर में बवाल खड़ा हो गया था। छात्रों बहुत बढ़िया उत्तर दिए थे। अच्छा छात्रों, पाठ का कथा विश्लेषण यहाँ तक पहला अनुच्छेद के बारे में जान चुके हैं ना आप सभी छात्र, अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और इसका अगला अनुच्छेद अगले कालांश में यहाँ से लेकर अंत तक बताया जाएगा। जब तक आप इस कालांश के बारे में बने रहे और आपका दिन अनंत सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद, आपका मोहम्मद ताहिर पाशा।